Hello guys, I'm back again. It's Super Sunday and we have a double header tonight. The next game, Mirza Multan of Sultan taking on United Boys of Islamabad. और ये मैच इतना इंपॉर्टेंस का हामिल तो नहीं, बिकॉज बोथ द टीम्स हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स. आई एम नॉट श्योर ऑफिशियली, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 पॉइंट है, कोटा ग्लैडिएटर्स के भी 8 पॉइंट हो चुके हैं, बट द ओनली इशू इज के इस्लामाबाद बहुत ही कोई बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे. अभी चांस है जो कि बिल्कुल लग नहीं रहा, क्योंकि कोटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस कराची से इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही और बहुत ही लिमिटेड मार्जिन से कोटा ने कामयाबी हासिल की. तो ये जो मैच होने वाला है, ये देखने को तो अच्छा मैच होगा, क्योंकि अच्छी टीम है दोनों. इस्लामाबाद के पास कोई इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद अभी नहीं है, काफ़ी प्लेयर्स उनके छोड़ के चले गए, बट नेवरदलेस इट विल बी अट्रैक्टिंग टू नाइट. उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान कुछ बेंच स्ट्रेंथ को चांस देगा, बिकॉज दे हैव विन विद लीडिंग विद 16 पॉइंट्स, 9 में से 8 मैच जीते हैं, एक मैच सिर्फ हारा लाहौर के अंदर से और बाकी ऑन ट्रॉट को जीतते रहे. तो लेट्स सी क्या चेंजेस करते हैं या विनिंग कॉम्बिनेशन लेके मोमेंटम को बरकरार रखेंगे. ऑन द अदर हैंड, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आज भी शादाब के बगैर जाता है तो आसिफ अली की कैप्टनसी दोबारा टेस्ट होगी, और लेट्स सी कि आसिफ अली कैसी कैप्टनसी करते हैं. और अगर 2 पॉइंट यहाँ से मिलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके चांस क्वालिफाइंग के हो जाएंगे. लेकिन अभी भी 99.9% मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि श्योरिटी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही क्वालिफाई करेगा, और मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये 4 टीमें हैं जो आगे जाएंगी. 2 टीमें एलिमिनेट हुई हैं, दैट इज कराची किंग्स एंड कोटा ग्लैडिएटर्स. तो PSL का सफर अब का लास्ट राउंड का मैच, इसमें आई गेस लाहौर कलंदर का मैच होगा पेशावर जलमी से, वो भी एक नॉर्मल मैच ट्रीट होगा, बिकॉज वो टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड. तो लेट्स सी हाउ इट गोज और मैच किस तरफ जाता है, बट फॉर नाउ इट्स टीम क्वाइट ऑब्वियस कि दीज आर द 4 टीम्स हु हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड, एंड कपल ऑफ टीम्स दैट इज कराची किंग्स एंड कोटा ग्लैडिएटर्स हैव बीन एलिमिनेटेड. कोटा इवन दो ट्राइड अ बिट लास्ट मैच, हारते हारते जीते, लेकिन इतना जीत एम्बैरस इफेक्टिव नहीं हुई जितना होनी चाहिए थी. और कराची के लिए तो डेफिनेटली व्हाट कैन आई से कि इतना बना के मैच हारना क्लियरली शोज के उनकी इंटेंशन, थिंक टैंक है, बहुत से सवाल आते हैं. और नेक्स्ट ईयर माइट भी हम देखेंगे कराची के तब्दीलियां काफ़ी देखने को मिलेंगी. तो लेट्स सी किस तरह मैच जब आज का जाता है क्या होता है, टाइम विल टेल फॉर नाउ. और नकाल रहेगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.